राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। आज सुबह में राजधानी के पॉश इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक टेंट दुकानदार को गोली मार दी। इस घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और जहां फिर उसका इलाज चल रहा है। घटना बुद्धा कॉली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ हथियारबंद अपराधियों ने आपसी रंजस में टेंट दुकानदार को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई है। घायल के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस के अनुसार मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। आज सुबह जो आपको गोली मारी गई, तो किन्हीं पे शक है आपको? किन पे? रणधीर कुमार। अच्छा, फिर से बोलेगा। रणधीर कुमार। रणधीर कुमार, कितने की संख्या में लोग आए थे? दो की संख्या में थे, बाइक से। अच्छा, उस समय आप क्या कर रहे थे? गाड़ी से होने से आ रहे थे। अच्छा, पुलिस कितने देर बाद पहुंची थी? और पुलिस के पास हम गए जी, गोली लगा वो पुलिस के पास हम गए। अच्छा, गोली लगा तो उसके बाद अब पुलिस के पास गए? लगने के बाद के पास गए। अच्छा, पुलिस ने पुलिस यहाँ से पुलिस ने लेकर आया। अच्छा, और रणधीर कुमार कौन है आप, जिसका आप नाम ले रहे हैं? बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मतलब कोई पुरानी दुश्मनी या फिर क्यों मारा? पता नहीं क्यों मारा हमको, ये हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। खुद नहीं समझ में आ रहा हम ना हमसे कभी है ना ये है ना कभी डर है ना कभी ये है। अच्छा, तो रिपोर्ट आपने लिखवा दिया है ना? रिपोर्ट लिखवा दिया आपने थाने में?